देखे बड़े सपने केवल बड़े लोग नहीं, मेरे सपनों को डुबा दे ऐसे खड़े लोग कई, पर पाए रोक नहीं तुझमें इतना जोर नहीं, मेरी रगों में जो खून तुझमें रहा दौड़ नहीं, दिल में खौफ नहीं चाहे मंजर हो तूफानी सा। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में, प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। तो जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर पहला स्टेप आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग ही काम करती है। अगर फर्म में ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे तो फिर प्लानिंग किस बात की करेंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, और ये ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये ऑब्जेक्टिव इम्पॉसिबल टाइप का हो जाए, और पहले ही स्टेप पर डिपेंड करते हैं बाकी के सारे फंक्शंस। तो प्लानिंग के अंदर जो पहला स्टेप लेना है वो है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट बात आती है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है फ्यूचर के रिगार्डिंग एक्सम्पशंस बनाना। अभी जब ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि उसको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है फ्यूचर में, तो उसके रिगार्डिंग वो प्रेमिसेस क्रिएट करेगी, मतलब कि एक्सम्पशंस लेगा कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग मेरे को ये फायदा होगा, अगर मैं ये स्टेप लेता हूं तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मुझको लॉस हो जाए। तो इस तरीके के कुछ प्रेमिसेस डेवलप करना, ये आता है प्लानिंग के सेकंड स्टेप में। और इन जनरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कुछ तरीके के कॉमन फोरकास्ट करती हैं, लाइक एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है उसके बारे में पता करना, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में क्या चेंज करने वाली है उसके रिगार्डिंग एग्जम्पशंस क्रिएट करना, उसके कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, टैक्स रेट में चेंजेस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, कुछ इस तरीके के एग्जम्पशंस क्रिएट करना इन्वॉल्व होते हैं इन द स्टेप ऑफ डेवलपिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट इज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते हों। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो सेल इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडवर्टाइजिंग का खर्चा बढ़ा दे, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतनी ज्यादा सेल होगी। दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने लगे जिसकी वजह से अगेन सेल बढ़ सकती है, या फिर डोर टू डोर सेल सर्विस प्रोवाइड कराने लगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए प्रोडक्ट्स एड कर दे। तो इन सभी अल्टरनेटिव्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सेल इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकती है। तो थर्ड स्टेप में इन सभी अल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करना है, लिखना है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको इन तरीकों से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में इन सभी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि हर एक अल्टरनेटिव के सामने लिखेंगे कि इसमें क्या एडवांटेजेस है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, और जिस अल्टरनेटिव के सबसे ज्यादा एडवांटेजेस होंगे और सबसे कम डिसएडवांटेजेस होंगे उस अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज कर लिया जाता है एज द कोर्स ऑफ एक्शन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल मंगाना है, तो रॉ मटेरियल मंगाने के बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। हो सकता है बाई रोड मंगा ले, हो सकता है बाई एयर मंगा ले, या हो सकता है बाई रेलवेज या फिर शिप के थ्रू मंगा सकता है। तो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन सभी को नोट करना है, और जो भी एक एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसको चूज कर वो रॉ मटेरियल मंगा लिया जाएगा। क्लियर। इसी के साथ हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट भी थोड़ा सा कवर कर लिया था, विच इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इस स्टेप के अंदर जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, जो भी एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव होता है उसको चूज कर लिया जाता है। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव को चूज ना करे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स को भी चूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का, मतलब कि अभी जो पांच स्टेप्स थे इन पांच स्टेप्स में प्लानिंग का जो प्रोसेस था वो पेपर वर्क पर चल रहा था। इस स्टेप के अंदर दैट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान, इस स्टेप के बाद उस प्लानिंग को पेपर से उठाकर रियलिस्टिक सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा, और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अभी तक आपने प्लानिंग कर ली, अगर उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपने अभी तक जितनी भी प्लानिंग की है आपकी प्लानिंग पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी विदाउट टेकिंग दिस स्टेप। क्लियर। सो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे मैनेजर्स उन प्लान्स को एम्प्लॉयज तक कम्युनिकेट करेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को प्लान समझ में आ जाए
और वो सारे एम्प्लॉयज अपना काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सके। क्लियर। इसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप आता है, दैट इज फॉलो अप। हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक में भी एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजर का जो काम होता है प्लानिंग करने का, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने से खत्म नहीं हो जाता। मैनेजर को रेगुलर बेसिस पर उस प्लानिंग को मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि कितना वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव कर लिया है या फिर कितना वर्क अचीव नहीं कर पाई है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टिव अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग काम कर रही है या फिर उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं फॉलो अप के अंदर। क्लियर। और इसी के साथ हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्लानिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप आता था सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट आता था उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग प्रेमिसेस को डेवलप करना, थर्ड था वेरियस अल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करने का, चौथा स्टेप था उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने का, फिफ्थ स्टेप के अंदर एक सुटेबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया था, सिक्स्थ स्टेप में उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, और लास्ट स्टेप के अंदर उस प्लान को फॉलो अप करते हैं जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।